ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे चेहरा हैं जिनका, जिन्होंने सबके लिए किया है और सब उनके लिए मदद करता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, यादव समुदाय का हो, किसी समुदाय का हो। जबरदस्ती तो हमें भगवान राम से मिलने का, अगर किसी की इच्छा नहीं हो तो भगवान राम देखेंगे। सब लोग जितने ऊपर से कह रहे हैं उतने अधिक से राम भगवान को मानने वाले लोग हैं। आपने देखा नहीं, 3.5 करोड़ से अधिक इसी 10 साल के अंदर मोदी जी के जो जन कल्याण योजना है, परिवार कल्याण योजना है, गरीब कल्याण योजना है, उसके माध्यम से गरीबी से बाहर निकाला है। और बिहार में तो निश्चित तौर पर इतना अधिक खींचतान है कि इनके चेहरों को आप जब देखते होंगे उससे ही आपको पता चलता होगा कि क्या इनके हालात हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार दौरे से लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव का बयान सामने आया है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है। मोहन यादव जी के स्वागत के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं श्री कृष्ण मॉडल हॉल में। श्री कृष्ण मॉडल हॉल में अभिनंदन के लिए लोग आतुर हैं, उनका इंतजार में लोग खड़े हैं। होगा सर, पर कहा जाता है कि 24 का चुनाव भी है, मोहन यादव बिहार आए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव? ऑलरेडी इम्पैक्ट है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मोहन यादव जी पहली दफ़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यादव कुल के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया है आदरणीय मोदी जी ने, लोगों में उत्साह है। पहली दफ़ा आ रहे हैं तो उनके अभिनंदन के लिए खड़े हैं, पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, यादव समाज के जो लोग हैं वो सर्किस मौर्य हॉल में खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पर सवाल जो महागठबंधन के लोग हैं ये भी उठाते हैं कि कितना भी मंथन कर लीजिए, कितना भी मैराथन कर लीजिए, सुनिए वो तो आने वाले वक्त बताएगा, समय बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से ही यादव समाज का बहुताय लोग जुड़ा हुआ है और मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे चेहरा हैं जिनका, जिन्होंने सबके लिए किया है और सब उनके लिए मदद करता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, यादव समुदाय का हो, किसी समुदाय का हो। कोई ऐसा परिवार और व्यक्ति नहीं है भारतवर्षीय जो मोदी जी को अपना आशीर्वाद नहीं देता है। सब लोग देता है, फिर देगा, आगे भी देता रहेगा। तो कुछ गलतफहमी में है कि कुछ लोग ठेकेदार जो बने हुए हैं सब, उनका मिथ्या टूट जाएगा आने वाले दिन में। लालू यादव कहे राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे। नहीं जाए, जबरदस्ती तो हमें भगवान राम से मिलने का, अगर किसी की इच्छा नहीं हो तो भगवान राम देखेंगे। सब लोग जितने ऊपर से कह रहे हैं उतने अधिक से राम भगवान को मानने वाले लोग हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोगों ने बताया है सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जेडीयू के लोग कह रहे हैं विलंब हो रहा है, आरजेडी के लालू यादव हैं वो कह रहे हैं कोई देरी नहीं है, क्या लगता है? तो उनका मामला है ना, ये जो इंडिया गठबंधन है उनका मामला ना है, उससे हम लोग का लेना है? तालमेल सही बैठ रही है? नहीं बैठ रही है तो लोग समझें, तालमेल कहाँ से बैठेगी? जहाँ स्वार्थियों की घूट है, स्वार्थ में डूबे हुए लोगों का एक महागठबंधन है जो देश के हित की बात नहीं सोच रहा है, अपने हित की बात, अपने परिवार के हित की बात, अपने संपत्ति के हित की बात कर रहा है, तो ये सब कहाँ से टिकने वाला है? देश की जनता सब देख नहीं रही है इन लोगों को, कोई अब कहीं कोई मिलने वाला है मौका नहीं देगी। भारत उसकी महान जनता एकमात्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है और आगे भी निर्णय ले ही लिया है। मैं समझता हूँ कि देश को इस 10 साल में जो पिछले 50 साल का कोर है उसको मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व में सबकी भलाई करने का काम किया, सबको रोजी रोजगार दिया, सबके आँख के आंसू को पोछने का काम किया,
सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। आपने देखा नहीं, 3.5 करोड़ से अधिक इसी 10 साल के अंदर मोदी जी के जो जन कल्याण योजना है, परिवार कल्याण योजना है, गरीब कल्याण योजना है, उसके माध्यम से गरीबी से बाहर निकाला है और पूरे हिंदुस्तान में लोग राहत का सांस महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के बेदी पर जो चढ़ी हुई थी कांग्रेस और उसके एलआई पार्टनर की सरकार, उससे मुक्ति मिली है। चोर लूटेरा ये सब अंदर जा रहे हैं, देश की संपत्ति के सबको बर्बाद करने वाला कांग्रेस पार्टी और इनके लोगों को भी मौका देगी देश की जनता? तो इसलिए लोग ख़त्म हैं, कुछ होने वाला नहीं है और सत्ता की भूख है। अभी तक इन लोगों का गठबंधन नहीं, गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है, खींचतान जारी है और बिहार में तो निश्चित तौर पर इतना अधिक खींचतान है कि इनके चेहरों को आप जब देखते होंगे उससे ही आपको पता चलता होगा कि क्या इनके हालात हैं। आप लोग तो सबके पास जाते हैं ना जी, आप तो पत्रकार हैं, सबको वॉच करते हैं, भांपते हैं, उनका चेहरा, उनकी बोली, उनका भाषा सब देख रहे हैं। मारा काटा काटी चल रहा है, महागठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन में तो चर्चा भी हो रहा है सीट शेयरिंग के, इंडिया में क्या हो रहा है? ये उनको हम बता दें कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आपका जो महागठबंधन का जो लड़ाई है तो आप दिख रहा है सामने, हमारे यहाँ सब कुछ फिट है, सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और आने वाले वक्त में सबको हमारा नेतृत्व निर्णय लेकर के और आगे हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो आपने सुना भाजपा सांसद रामकृपाल यादव को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार दौरे और 22 जनवरी को लेकर जो लालू यादव ने बयान दिया था कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे जैसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने आज पत्रकारों से विस्तार से बातचीत की और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि एक बार फिर से वो अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देंगे, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में देश ने जितना विकास नहीं किया उतना 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।